जो बैकग्राउंड होगा वो नीले रंग का होगा, इसके अंदर जो चित्र बना होगा वो सफेद रंग का होगा, जैसे मैंने इसके अंदर एक गोगल्स बना दिए, चश्मा बना दिया। यानी कि ये अपने को ये नीले रंग का और ये आ गया सफेद रंग का। यानी कि ये अपने को कह रहा है कि आगे कुछ इस प्रकार का वर्क चल रहा है जिससे क्या है आपकी आंखों को नुकसान हो सकता है, इसलिए गॉगल्स पहनकर जाओ। यानी कि जो अपने को कार्य करने के लिए कह रहा है। बात समझ आई? तीसरी अपने बात करें, तीसरी अगर अपने बात करें तो वार्निंग वाला चिन्ह, सचेतात्मक चिन्ह, सचेतात्मक चिन्ह, यानी कि जो अपने को क्या कह रहा है, वार्निंग दे रहा है। ठीक है, सबसे पहले अपने बात करें तो ये चिन्ह ट्राइंगल होता है, यानी कि त्रिभुजाकार होता है। ठीक है, ये इसका बॉर्डर हो गया, इसका बॉर्डर हो गया, और ये जो बॉर्डर है काले रंग का होगा बॉर्डर। अगर अपने इसके बैकग्राउंड की बात करें, यानी कि इसके पीछे पर्दे की बात करें, बैकग्राउंड की बात करें, तो इसका जो बैकग्राउंड होगा वो पीले रंग का होगा बैकग्राउंड, पीले रंग का होगा। ठीक है, इसके अंदर जो चित्र बना होगा इसके अंदर जो चित्र बना होगा वो भी काले रंग का होगा। तो ये अपने को वार्निंग दे रहे हैं कि आगे आग से निर्मित को कार्य चल रहा है, इसलिए ध्यानपूर्वक निकले। रेलवे फाटक पर भी ऐसा होता है कि त्रिभुजाकार चित्र बना होता है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ फाटक सा बना होता है, फाटक सा बना होता है, तो अपने को बता देता है पहले कि आगे फाटक है, इसलिए या तो रुक जाओ या फिर ध्यानपूर्वक निकलो। तो ये अपने को क्या कर रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं। चौथी चिन्ह अपने की बात करें, चौथे चिन्ह की जो अपने को क्या कहते हैं, सूचनात्मक चिन्ह, यानी कि सूचना देने वाले, सूचना देने वाले सूचनात्मक चिन्ह। चिन्ह यानी कि ऐसे चिन्ह जो अपने को क्या करते हैं, सूचना देते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपने बात करें तो ये चिन्ह आयताकार होते हैं, कुछ इस प्रकार से आयताकार होते। दूसरी अपने बात करें, इनका बॉर्डर नहीं होता है, ये जो इनका बॉर्डर है ये नहीं होगा, ये बनाया इसलिए क्योंकि इसके अंदर ये रंग बनना है। जो भी है बात करते हैं इसके अंदर, लेकिन ये जो बैकग्राउंड, ये जो भरा जा रहा है बैकग्राउंड, हरे रंग का होगा, ठीक है, कौन से रंग का होगा, हरे रंग का होगा, लेकिन इसके अंदर जो चित्र बना होगा वो सफेद रंग का बना होगा, कुछ इस प्रकार से देखा होगा,
कार्यशाला के अंदर लैब के अंदर एग्जिट बना होता है, या बस के अंदर एक इमरजेंसी खिड़की होती है उसके पास भी एग्जिट बना होता है, या अपने को सूचना देता है कहीं भी रेलवे स्टेशन के अंदर चल जाओ ये मेडिकल डिपार्टमेंट या फिर वाटर का या फिर मेडिसिन का डिपार्टमेंट इस प्रकार से है, यानी कि ये सारे के सारे इमरजेंसी की जो अपने को सूचना देता है, ये सारे के सारे क्या है अपने को सूचना दे रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है सूचनात्मक चिन्ह है, जो क्या है कि इनका बैकग्राउंड होता है वो क्या होता है हाथी रंग का, जो इस पर जो चित्र बना होगा या जो लिखा होगा वो क्या होगा सफेद रंग का होगा। ठीक है, अब अपने छोटी सी एक जनरली सी बात करते हैं कि विद्युत झटका, विद्युत झटका क्या होता है, विद्युत झटका विद्युत क्या होता? देखो अपने बात करें कि अगर वोल्टेज 90 वोल्ट या इससे कम है तो हमें विद्युत झटके का अनुभव नहीं होता है, विद्युत झटके का अनुभव नहीं होता। लेकिन अगर वोल्टेज इससे ऊपर है तो हमें विद्युत का झटका लगता है, विद्युत का झटका। हमें विद्युत का झटका क्यों लगता है इस पर अपने बात करें तो जनरली सी बात करते हैं अपने कि विद्युत झटका क्यों लगता है, इसलिए लगता है क्योंकि अपने शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, यानी कि खून रक्त का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, जैसे ही अपने विद्युत के संपर्क में आए तो विद्युत के अंदर इलेक्ट्रॉन यानी विद्युत धारा बह रही है, तो उसकी जो गति होगी यानी कि विद्युत की जो गति होगी और अपना जो रक्त प्रवाह होगा अगर उसकी गति या चल रही जो गति है अगर वो मैच नहीं करेगी तो अपने को विद्युत का झटका महसूस होगा। बात समझ आई कि रक्त का जो प्रवाह चल रहा है ऊपर से क्या हुआ है कि विद्युत झटका अपने को लगा या विद्युत के संपर्क में अपने आए तो दोनों की गति मैच नहीं होने के कारण अपने को विद्युत का झटका लगता है। विद्युत धारा की अगर अपने बात करें तो विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है यानी कि जो उसकी स्पीड होती है वो क्या होता है प्रकाश के वेग के समान, यानी कि जो सूर्य से जो प्रकाश धरती पर पड़ रहा है ठीक है उतनी स्पीड से विद्युत चलती है, इसलिए वो क्या है अपने रक्त के बराबर नहीं चल पा रही है, यानी कि रक्त अपने बराबर नहीं चल पा रहा है जिस कारण से अपने को विद्युत का झटका महसूस होता है। अगर अपने विद्युत की गति की बात करें तो वो प्रकाश की गति के बिल्कुल बराबर होती है, जिसको क्या है मापा गया है कि उसकी जो गति होती है 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड होती है, या अपने सीधी सी बात करें तो इसकी जो होती है 30 करोड़ किलोमीटर प्रति सेकेंड, 30 करोड़ किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि किसकी है ये विद्युत की गति है। अगर अपने बात करें ये विद्युत की गति इतनी है कि अगर इतनी गति से व्यक्ति चले तो एक सेकंड के अंदर पूरी पृथ्वी के 7 चक्कर निकाल सकता है, इतनी गति होती है इसकी। इसी कारण से क्या होता है पनडुब्बी या फिर पानी से जो चलने वाली पानी के अंदर जो जहाज चलते हैं पनडुब्बियों होगी उनके अंदर मैक्सिमम जो वोल्टेज रखी जाती है वो 110 वोल्टेज रखी जाती है,
ताकि क्यों रखी जाती है, ताकि अगर किसी को भी झटका लग रहा है तो वो क्या है उसे महसूस ना हो या फिर कम महसूस हो, यानी कि उसे ज्यादा क्षति ना पहुंचे, यानी कि ज्यादा उसे नुकसान ना पहुंचे। अगर विद्युत झटका लग गया है, अगर विद्युत झटका लग गया है यानी कि विद्युत झटके से कोई शिकार हो गया है, तो वो क्या होगा, किस पोजीशन में आ जाता है? देखो, या तो वो बेहोश हो जाएगा, ठीक है, मूर्छित हो जाएगा, ठीक है, बेहोश हो जाता है, बेहोश को ही मूर्छित कहना कहते हैं अपने, या फिर जिस जगह उसे विद्युत का झटका लगा है उस वाले हिस्से में छाले पड़ जाते हैं, ठीक है, या फिर रक्त का प्रवाह होने लगता है, या व्यक्ति उस जहां झटका लगा है वहां जल जाता है, या बात करें कि कई बार सांस लेने में प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर कई बार क्या होता है कि हृदय की धड़कन है वो रुक जाती है, जिस कारण से व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। अब करना क्या चाहिए? सबसे पहले अगर किसी को विद्युत झटका लग गया है तो उसे क्या है, उस व्यक्ति को यानी कि छुड़ाना, छुड़ाना, ऐसे नहीं कि हाथ उसको पकड़ के खींचने लगी, उस कंडीशन में अपने को भी नुकसान हो सकता है, अपने भी उस झटके के बीच में आ सकते हैं, यानी उसी विद्युत के संपर्क में आ सकते हैं। सबसे पहले देखें कि उस मशीन का बटन ऑफ करें, अगर उस संभव नहीं हो रहा उस मशीन का बटन ऑफ करना तो अपने मेन सप्लाई ऑफ कर सकते हैं, लेकिन अगर ये भी संभव नहीं है तो किसी रबड़ की चटाई पर खड़े होकर किसी डंडे के द्वारा उसे जहां जिस तरीके से उसे विद्युत झटका लग रहा है तो उसे उसे छुड़ाया जा सकता है, लेकिन ऐसे नहीं कि उस पर अपने डंडे से प्रहार ही करने लग जाएं कि वो व्यक्ति गिर जाए और उसे और नुकसान हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं करना है, आराम से उसे उस कंडीशन में देखते हुए उसे उसे विद्युत के संपर्क से हटाना है, ठीक है। हटाने के बाद अगर मान लिया कि विद्युत झटका लगा होता आपने उसको छुड़ा दिया, तो सबसे पहले उसका प्राथमिक उपचार करना चाहिए। अब ये प्राथमिक उपचार क्या होता है? प्राथमिक उपचार उसको बोलते हैं यानी कि डॉक्टर से, डॉक्टर के आने से पहले किया गया उपचार, यानी कि विद्युत झटका, अब डॉक्टर आने में डॉक्टर को पहले सूचना देंगे, डॉक्टर आएगा तो उस कंडीशन में थोड़ा सा टाइम लग गया, डॉक्टर के आने से पहले उसे प्राथमिक उपचार या उपचार दिया गया तो उसे अपने प्राथमिक उपचार कहते हैं। जैसे जैसे अगर किसी को झटका लग गया है, भीड़ इकट्ठी हो गई है, सबसे पहले अपने भीड़ को हटाएंगे ताकि उस व्यक्ति को स्वच्छ वायु उसके शरीर के अंदर, आसपास की खिड़कियां खोल देंगे, अगर व्यक्ति के छाले हो गए हैं तो उसे किसी पलंग पर या बेड पर उसे लिटा देंगे, मान लिया उसकी छाती पर छाले हो गए हैं तो उसे कमर के बल उसे लिटा दिया, या फिर कमर पर छाले हो गए तो उसे छाती के बल, यानी कि उसे इस प्रकार से अपने को बैठाना है, ठीक है, इस प्रकार से अपना उसका प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। बाकी क्लास अपने बाद में लेंगे। थैंक यू।